वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई यानी आज वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने वाली हैं और इस बजट में करदाताओं को वित्त मंत्री से किसी बड़े राहत के ऐलान की उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की अनुमानित प्राप्तियों और जो व्यय है, खर्च है, उसके विवरण भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही सदन में पेश करेंगे और इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की धारा 3 के तहत मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति इसके विवरण और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट की एक एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे। आपको बता दें कि मुरारजी देसाई के बाद एक रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं निर्मला सीतारमण। सातवीं बार वो बजट पेश करेंगी और निर्मला सीतारमण के नाम ये एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो आज लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 की प्रस्तुति के समापन के एक घंटे बाद वो बजट पेश करेंगी और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट आज संसद में पेश किया जाना है। इसी के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सातवीं बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बना रही हैं और आम चुनावों के बाद आने वाले इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर खासतौर पर सबकी नजर बनी हुई है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आम बजट अमृत काल का महत्वपूर्ण बजट होगा। ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। सरकार ने जो गारंटी दी है और उसकी दिशा में आगे बढ़ने का काम यह बजट करेगा। लोकसभा और राज्यसभा में आम बजट पर 20 घंटे चर्चा हो सकती है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी 3.0 का जो ये पहला बजट पेश करेंगी इस पर बड़ी चर्चा होगी। दोनों सदनों के कार्य मंत्रणा समिति ने सत्र के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए कल बैठक भी कर ली है और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद शामिल रहे। सूत्र बता रहे हैं कि लोकसभा में रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, MSME और खाद्य प्रसंस्करण जैसे बड़े मंत्रालयों की मांग और अनुदान पर चर्चा के लिए 5-5 घंटे का समय किया गया है और वित्त मंत्री 30 जुलाई को लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दे सकती हैं और राज्यसभा में विनियोग और वित्त विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा हो सकती है, जबकि 4 मंत्रालयों पर 4-4 घंटे की बहस होगी। इन मंत्रालयों की पहचान अभी नहीं की गई है। एक कांग्रेस सांसद ने इस पर कहा कि उनकी पार्टी ने लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में अग्निपथ योजना और नीट विवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग रखी है। ये तय हुआ है कि अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित चर्चा में सभी पक्षों को अपने मुद्दे उठाने का मौका मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले किसानों के प्रतिनिधियों, कृषि विशेषज्ञों और कृषि से जुड़े विभागों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की थी और उनके सुझाव लिए थे। वित्त मंत्री ने कृषि और किसानों को मजबूत बनाने के लिए उनके विचार समझे थे। तो सिर्फ कृषि ही नहीं बल्कि युवाओं को उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा और महिलाओं को भी इस बजट से उम्मीद है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।